टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता आज एक बार फिर से टोंक की सड़कों पर निकले। टोंक की सड़कों का हाल देखा, निर्माण कार्य जो विकास कार्यों के रूप में चलाए जा रहे हैं टोंक में, उनका हाल जाना। पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के अधिकारियों को वहीं मौके पर बुलाया, कहा कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ किए जाने चाहिए, न सिर्फ गुणवत्ता के साथ किए जाने चाहिए बल्कि समय पर भी पूरे होने चाहिए। अजीत मेहता ने कहा कि जिस तरह से जो राजस्थान की मुख्यमंत्री राजस्थान गौरव यात्रा पर निकली है, उनका कार्यक्रम 27 सितंबर को टोंक तय हुआ है, उसके आगमन से पहले जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, जल्द ही इन सभी कामों को निपटा लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि आखिर जो ये सड़कें हैं टोंक की, क्या समय पर सुधर पाएगी, गुणवत्ता से काम हो पाएगा। जिस तरह के हालात टोंक के अंदर बनते जा रहे हैं, सीवरेज के नाम पर जो है टोंक को तबाह किया गया है, उसका उपाय शायद किसी नेता के पास टोंक में नज़र नहीं आता। और यही कारण है कि टोंक की तमाम जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सबको एक ही बात नज़र आती है कि सीवरेज की वजह से हो रहा है, लेकिन सीवरेज वाले क्या टोंक में तबाही मचाने का जो है खुला लाइसेंस लेकर टोंक पहुंचे थे, ये एक बड़ा सवाल है टोंक के तमाम उन जनप्रतिनिधियों के नाम जो विकास की बात करते हैं। जाली वाली लग गई उससे अपने मतलब नहीं, लेकिन जो उसकी जो दीवार है ना वो 17 फुट जगह निकलवाई है बिल्डिंग में, उनकी दीवार जो पुराने दीवार है ना वहाँ बिल्डिंग पीछे दीवार इसलिए खिंचवाएगी हमारे उपयोग में आ जाए। शहर बरकेटा बाबा तक से वहाँ से जो डिपो है डिपो तक की जो सड़क है वो तो बहुत बड़ी हो रही है। आपसे भी आपने क्लियर बनाई सिविल लाइन वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्थान गौरव यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। उन्होंने सिर्फ टोंक के अंदर भी 27 सितंबर का दिन टोंक के लिए तय हुआ है। हमारे टोंक में 386 करोड़ रुपये का आर ई डी पी आई के तहत सीवरेज और पेयजल का प्रोजेक्ट चल रहा है। निश्चित उसके तहत सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिस गति से काम कराया है, आज जिस रोड पर हम खड़े हैं वो शहरी गौरवपुत के रूप में स्वीकृत हुआ। 20 मीटर चौड़ा रोड हाईवे से पुछने के बाद इंदिरा गांधी सर्किल तक बनेगा, और उसके बाद नगर परिषद इंदिरा गांधी सर्किल से लेकर पटेल सर्किल तक का रोड बनने वाली है। एक बम्बोर रोड पे जो बस स्टैंड पे बम्बोर का रोड है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात में, बहुत ज़्यादा लोग हमारे गांव के उस रोड पर आते हैं, उसको हम ठीक कराने वाले हैं। 3-4 दिन के अंदर रिलायंस पेट्रोल से लेकर और बनवाइट जी का जो चौराया है उसको तक का रोड 3-4 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। डिपो रोड का हमारा काम शुरू है और वो भी सितंबर तक उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। टोंक के अंदर शहर के अंदर जो शहर धूल मिट्टी खाया करता था 70 साल में कभी रोडों की जो दुर्दशा थी, निश्चित मैं कह सकता हूँ कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में जिस तरह का पैसा टोंक विधानसभा को मिला वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। निश्चित सितंबर तक टोंक का जो चेहरा जो कल्पना टोंक के लोगों की टोंक के युवाओं की थी टोंक के बुजुर्गों की कल्पना थी टोंक भी हमारा अन्य शहरों की तुलना में नजर आना चाहिए, वो बिल्कुल हमारा शहर एक सुंदर शहर के रूप में नजर आए।